हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक चटपटी स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसे आप 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सोनी रेसिपी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हमने 3 बड़े आलू ले लिए हैं। ये उबले हुए आलू हैं, तो आपको जितना स्नैक्स बनाना है उस हिसाब से आलू की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो इन आलूओं को पहले हम मसल लेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैसर की हेल्प से इसे मसल सकते हैं या हाथों से भी आराम से हो जाएगा। तो पहले इसको हम मसल लेते हैं। तो आलूओं को हमने मसल कर तैयार कर लिया है। अब इसमें सूखा मसाले डालेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अगर चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच से भी कम हम हल्दी डालेंगे। तो यहाँ हम सारे मसाले थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमारे आलू की क्वांटिटी भी थोड़ी कम है। तो आप जितना आलू लें उस हिसाब से मसाला एडजस्ट कर लें कि आपको कितना मसाला डालना है। आधी छोटी चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें हम भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच से भी कम काली मिर्च का पाउडर है, इसे डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक डाल लेंगे। अब सारे मसालों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को देखिए अच्छे से हमने आलू में मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे स्नैक्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए, हमने पोहा लिया है जिसे हम चिवड़ा भी बोलते हैं। अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो पोहे को हमने मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। तो आलू के क्वांटिटी के हिसाब से हमने ये पाउडर लिया है। तो आलू के अंदाज से आप पोहे को पीस लें कि आप कितना स्नैक्स बनाने वाले हैं। तो आलू के अंदाज से हमने 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दिया है। तो पहले इसको गूंथ लेते हैं, देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा और डाल लेंगे। तो आलू हमारा हल्का सा गीला है अभी, तो इसमें 1 चम्मच और डाल लेते हैं। तो देखिए, अब हमने इसको अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिया है। तो इसमें डालने की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए जब आप आलू में इसको मिलाएं, तो आलू हमारा गीला नहीं रहना चाहिए। तो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप देकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसे रेक्टेंगल का शेप दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने सारे आलूओं को शेप देते हुए तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। तो तेल को पहले अच्छे से गरम कर लें, फिर मीडियम फ्लेम पे इसको रख दें। तो इसमें हम बारी बारी से डालते जाएंगे। तो बारी बारी से इसमें हमने 4-5 डाल दिया है, लेकिन इसे हम अभी चलाएंगे नहीं। थोड़ी देर यानी 1/2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, उसके बाद तुरंत इसको पलटना शुरू करें। फ्लेम हमारा मीडियम पे है, पहले हमने हाई पे रखा था तो जिसके कारण हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। पलटने के बाद 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, देखिए ये कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। देखिए 5 मिनट में अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से टोटल 10 मिनट के अंदर आप चाहें तो इस तरह के स्नैक्स बना सकते हैं। तो बाकी स्नैक्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस स्नैक्स को जब भी बनाएं, तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लें, फिर मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएं और डालने के तुरंत बाद बिल्कुल ही इसको ना चलाएं, बल्कि 1 से 1.5 मिनट तक इसको ऐसे ही अपने आप पकने दें, फिर इसको पलट दें। तो 5 मिनट के अंदर ये अब देखेंगे कि तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये बिल्कुल ही हार्ड नहीं हुआ है, आप हल्के हाथों से इसे आराम से तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्नैक्स रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।